हाय फ्रेंड्स, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश आर्य। हाल ही में आप लोगों के बीच एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन लेकर बैठे थे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने एक मेथड पढ़ा था, जिसमें देखा था कि हाउ वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द यूज ऑफ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करके। तो उसी मेथड को हम लोग यूज करके यहाँ पे अब एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, अर्थात जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, यदि इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं किस मेथड से फाइंड करने हैं, तो बाय द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने हैं यदि इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, अर्थात इसके रियल रूट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इसके सॉल्यूशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड करने हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो उसमें हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसमें आइदर a माइनस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं या a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² - 7x + 3, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट 2 है, तो x स्क्वायर तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है बट इसका कोफिशिएंट 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ इस 2 को हम लोग को रिमूव करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके लिए हम लोग करते हैं इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं और यहाँ से हम लोग करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, both sides by 2 in equation 1 we get। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग 2 से डिवाइड कर दें, तो 2x² - 7x / 2 + 3/2 = 0/2। This implies अब 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा x² - 7x / 2 + 3/2 = 0/2, 0। अब यहाँ से x² ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो चुका है, x² यानी a का स्क्वायर। अब ये हमारी फॉर जो है 7x / 2, इसको हम लोग को 2ab में एक्सप्लेन करना होगा, तो -2 × 7x यानी कि 2 × a यानी x और (7/2) है, तो इसको 7/4 कर दे, क्योंकि यहाँ 2 से हमने मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये 2 है, तो यहाँ से 2 यहाँ क्या होगा 2 × 4, तो ये 2 से 2 × 4 कैंसिल आउट हो जाएगी, 7/2 फिर 7/2 ही रह जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा कि ये a² - 2 × a × b, अर्थात अब यहाँ पे चूंकि a² यानी एक जगह x है और तो x² हो गया, और फिर 2 × a यानी कि x × b, तो b यहाँ 7/4 है, तो 7/4 यहाँ पे हम लोग को 7/4 का स्क्वायर तो है नहीं, तो 7/4 हम लोग इसका होल स्क्वायर बना लिए, और ये 7/4 हमने एक्स्ट्रा कॉमन सेंस यूज करके ऐड किया है, तो उतना हम लोग फिर इसको माइनस कर लें और ये +3/2 पहले से है = 0। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करने के लिए, अर्थात अब यहां से यहां हम देखें तो ये क्या हो गई a² - 2ab + b², अर्थात ये a - b का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो दिस इमेज हम क्या ले सकते हैं x - 2ab + b² यानी कि क्या हो गया, किसका एक्सपेंडेड फॉर्म है a - b का, तो b क्या है 7 बाई
फोर का स्क्वायर माइनस अब यहाँ क्या बच गया, 7/4 का स्क्वायर प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व करते जाए तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब हम लोग जो परफेक्ट स्क्वायर प्राप्त हो चुका है तो बाकी के जो टर्म है उसको राइट साइड भेज दे तो क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस 7/4 इक्वल को सेट जाएगा तो माइनस प्लस 7/4 का होल स्क्वायर और प्लस 3/2 इक्वल के सेट रहेगा तो माइनस 3/2। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते जाए तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब यहाँ से 7/4 का होल स्क्वायर करें तो 7 × 7 = 49 अपॉन 4 × 4 = 16 माइनस 3/2। दिस इंप्लाइज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 16 LCM, तो ये 49 और ये 2 × 16 और 8 × 3 = 24। दिस इंप्लाइज x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 माइनस 49 और माइनस 24 यानी कि 25/16। Therefore, अब x माइनस 7/4 अब इधर से स्क्वायर में टेक इधर क्या हो जाएगी रूट चल जाएगी तो प्लस माइनस रूट अंडर 25/16। तो दिस इंप्लाइज x माइनस 7/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी प्लस माइनस, अब दोनों 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16 परफेक्ट स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 और 16 का 4। अब यहाँ से दो कंडीशन है, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू एक बार हम लोग प्लस 5/4 कंसीडर करेंगे, दूसरी बार माइनस 5/4 कंसीडर करेंगे। तो दिस इफ x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4 तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4 और माइनस 7/4 इक्वल किस हो जाएगा तो प्लस 7/4। दिस इंप्लाइज 4 LCM हो गया तो 5 + 7 यानी कि 12/4 यानी कि 3। तो दिस इंप्लाइज यहां से क्या होगा x की वैल्यू 3। उसी तरीके से हम लोग एक बार x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस 5/4 यहां कंसीडर किए हैं और माइनस 5/4 कंसीडर किए, तो x माइनस इफ x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 7/4 इज आएगा प्लस 7/4 और ये माइनस 5/4 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4 LCM तो ये 7 - 5 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 - 5 = 2/4 ये 2। तो फाइनल क्या होगा दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। तो फाइनल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन निकला x इज इक्वल टू 2 और दूसरा x इज इक्वल टू 1/2। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा x इज इक्वल टू 3 और दूसरा 1/2 दिस इज आंसर। तो इस तरीके से बाय द मेथड कैलकुलेटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने किया जिसका सॉल्यूशन क्या है x इक्वल टू 3 और 1/2। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन के बाद तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² + x - 4 = 0। तब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में यहाँ जो x² है इसमें 2x² में ये x² तो परफेक्ट स्क्वायर है बट यहाँ 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस 2 को यहाँ से रिमूव करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस दो इस इक्वेशन एक इसे एक इक्वेशन मान लिया और इस इक्वेशन को के दोनों तरफ हम लोग जो है 2 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइडिंग द इक्वेशन 1/2 ऑन बोथ साइड वी गेट, अब यहां से क्या हो जाएगा 2x² / 2 प्लस
माइनस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 0 बाय 2 दिस इंप्लाइज कंसीडर हो गया क्या बोलो x स्क्वायर प्लस x बाय 2 माइनस और ये 2 माइनस 2 0 बाय 2 0 अब यहां से जो पहला टर्म x स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया यानी a स्क्वायर का जो परफेक्ट टर्म मिल गया क्योंकि हमको क्या करना है इसको आइदर a माइनस b का होल स्क्वायर या a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ उसके लिए हमको चाहिए a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर तो a स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर यानी a का स्क्वायर यहाँ एक जगह x है x स्क्वायर प्लस अब इसको हम लोग क्या करना है 2ab में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू a यानी यहाँ a क्या है x इंटू b चाहिए और b हम लोग को ऐसे इसको सॉल्व करना है कि इसका वैल्यू जो है x बाई 2 ही रहे तो हमने इसको करते हैं 1 बाई 4 फिर 2 इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 इधर यहाँ क्या करते हैं 4 तो 4 करने से क्या होगा 2 2 जब 4 ओवरऑल ये सॉल्व होकर क्या हो जाएगी x बाई 2 ये पूरा सॉल्व होकर फिर x बाई 2 रह जाएगी और हमको इसको फायदा क्या हो जाएगा हमको 2 इंटू ए इंटू बी मिल जाएगा तो बी मिलने से अब हमको बी स्क्वायर भी चाहिए तो बी हमारा 1 बाई 4 का स्क्वायर अब ये चूंकि हमने एक्स्ट्रा एक्टिविटी किया है तो इसको हम लोग को बैलेंस करना होगा तो वो प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर किया तो वहाँ माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर भी हमने कर दिया अब ये माइनस 2 तो यहाँ पहले से है तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म है ये ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर यानी ए के जगह एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स इंटू बी यानी 1 बाई 4 प्लस बी 1 बाई 4 का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर ये जो है x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है ये तो उसके जब हमने x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर लिख दिया माइनस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अब यहाँ परफेक्ट होल स्क्वायर कन्वर्ट हो चुका है ये बाकी के जो टर्म है इसको राइट साइड भेज दें दिस इंप्लाइज x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब इसको ये राइट साइड भेजें तो 1 बाई 4 का होल स्क्वायर और माइनस इधर प्लस 2 दिस इंप्लाइज x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 का होल स्क्वायर 1 बाई 16 प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है ये 16 यहाँ एलसीएम हो गया क्या हो गया 1 प्लस 16 टू या 32 This implies x plus 1 by 4 ka whole square is equal to 33 upon 16. This implies x plus 1 by 4. अब इधर square root का दूसरा क्या जाएगा root से जाएगा तो plus minus root इन्दा 33 upon 16. This implies x plus 1 by 4 is equal to अब plus minus अब root under 33 तो ये perfect square नहीं है 16 perfect square है 4 का तो इसका square root क्या होगा 4 अब इसको हम लोग solve कर लें तो this implies x की value क्या हो जाएगी ये plus 1 by 4 equal to से जाएगी तो minus 1 by 4 plus minus root under 33 upon 4 तो एक बार x की value क्या हो जाएगी x की वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस 1 बाई 4 प्लस माइनस रूट इधर 33 बाई 4 देखो प्लस कंसीडर करेंगे तो प्लस 33 प्लस 33 बाई 4 कंसीडर करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 33 अपॉन 4 और एक बार प्लस कंसीडर किया है और एक बार माइनस कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 माइनस रूट 33 अपॉन 4 दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1
माइनस 33 अपॉन 4। तो अब इस तरीके से जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों सॉल्यूशन सब निकल चुके हैं, एक हो गया x = 1 हो गया माइनस 1 + 33 अपॉन 1 √33 अपॉन 4, और दूसरा सॉल्यूशन हो गया x = -1 - 33 अपॉन 4। तो टोटल क्या हमारा सॉल्यूशन हो गया, x = -1 + 33 अपॉन 4, और दूसरा हो गया -1 - √33 अपॉन 4। तो यही दोनों सॉल्यूशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को हमने बाय द मेथड कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर के मेथड के आधार पर सॉल्यूशन प्राप्त किया। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यानी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करने में हमेशा ध्यान क्या रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको आइदर आप a माइनस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए या a प्लस b के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, 4x² + 4√3x + 3। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4x² ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, यानी इसको हम कह सकते हैं 4x² 4 किस क्या 2 का स्क्वायर है और x² तो 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x², ये परफेक्ट स्क्वायर में है, इसलिए इस इक्वेशन को किसी भी टर्म से किसी भी नंबर से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अब यहां से ये तो a स्क्वायर मिल गया यानी 2x का स्क्वायर। अब यहां से ये वाली जो मिडिल टर्म है इसको हम लोग क्या करना है, इसको हम लोग को 2ab में कन्वर्ट करना है जहां से b का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो 2 into a, तो a तो हमारा 2x है, 2x into b, b कितना आना चाहिए, ये पूरा सॉल्व होके आना चाहिए 4√3, तो यहाँ पे √3, तो 2 × 4 into √3 4√3 या into x 4√3x, ये पूरा सॉल्व हो क्या हो गया 4√3x, और यहाँ से 2 into a into b भी हो गया, तो b क्या है √3, तो √3 का होल स्क्वायर, और √3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर के एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कंप्लीट हमको इक्वेशन प्राप्त हुआ ये क्या है, a प्लस b के होल स्क्वायर का एक्सपेंडेड फॉर्म है, अब उसमें a प्लस b यानी क्या है ये 2x, ये क्या है यहाँ 2x प्लस b क्या है, b है √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म था इस 2x प्लस √3 के होल स्क्वायर का, तो क्या हो गया 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x प्लस √3 इनटू 2x प्लस √3, इसके दो फैक्टर्स होंगे इज इक्वल टू 0, और प्रत्येक फैक्टर को हम लोग क्या करें इक्वल टू 0 कर दो तो एक सॉल्यूशन दे देगा, इफ 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू -√3 देयरफॉर x इज इक्वल टू -√3 अपॉन 2। अब यहां पे देख सकते हैं कि जो दोनों इसका फैक्टर है दोनों सेम है, यानी इस साइड ये वाला फैक्टर भी सेम है, इफ 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज 2x इज इक्वल टू -√3 therefore x is equal to -√3 upon 2। तो finally जो हमारा solution हो गया दोनों जो इस quadratic equation के दोनों solution है वो क्या है दोनों same है, x is equal to -√3 upon 2 and -√3 upon 2 दोनों इस quadratic equation के जो roots हैं यानी जो solution है दोनों equal solution है, क्या है वो x is equal to -√3/2 -√3/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन काफी आसान था कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है 2x² + x + 4 = 0। यहाँ जो पहला टर्म है 2x², तो यहाँ 2 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से इसको रिमूव करना होगा, तो इसके लिए हम लोग पूरे इक्वेशन क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे।
हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिए, डिवाइडिंग द इक्वेशन 1 बाय 2 ऑन बोथ साइड वी गेट, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस x बाय 2 प्लस 4 बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टू 4, दिस इंप्लाइज क्या हो गया, ये x स्क्वायर प्लस x बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये पहला जो है x स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर में आ गया, x स्क्वायर ये x का होल स्क्वायर प्लस, अब x बाय 2 का हम क्या करना है, 2 अभी में करना करना 2 इंटू x एंड इंटू बी, बी कितना आना चाहिए, अभी x बाई 2 रहना चाहिए, इसको हम लोग 4 कर दें, 2 जा 4 और x बाई 2 हो जाएगा, ये पूरा सॉल्व हो क्या हो जाएगा x बाई 2। इससे हमें फायदा क्या होगा, यहाँ से b का जो वैल्यू मिल गया ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी, अभी हम b का होल स्क्वायर लगाना होगा, तो ये चूंकि अलग से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको माइनस भी इतना करना होगा इसमें, और ये लास्ट में प्लस 2 ऑलरेडी क्वेश्चन है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लें, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ एक एक्सपेंडेड फॉर्म है किसका, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, यानी ए क्या है यहाँ एक्स प्लस बी क्या है 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, इधर माइनस क्या बच गया 1 बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसी को हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या होगा x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम क्या करें परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जितने टर्म है उसको हम लोग राइट साइड भेज दें, तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 इक्वल किस रहेगा प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर, और प्लस 2 इधर आया तो माइनस 2। अब हम लोग कर ले सॉल्व इसको, क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 4 का होल स्क्वायर 1 बाई 16 माइनस 2, दिस इंप्लाइज x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एलसीएम हो गया, तो 1 माइनस 16 टू जा 32। अब यहाँ से देख सकते हैं कि x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस 31 अपॉन 16। अब हम लोग करें यहाँ से स्क्वायर रूट है, तो x प्लस 1 बाई 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट एंड माइनस 31 बाई 16। अब रूट के अंदर माइनस फिगर नहीं होती है, रूट के अंदर माइनस नहीं होती है, अब ये क्या हो गई ये इमेजिनरी रूट हो गई, इमेजिनरी ये रियल वैल्यू नहीं है, इमेजिनरी नंबर हो गया। अब ये जो है रूट के अंदर नेगेटिव साइन आना मतलब ये इमेजिनरी नंबर है, जो कि हम लोग को अभी हम लोग केवल रियल नंबर ही जानते हैं, अभी हमने रियल नंबर ही पढ़ा हुआ है, इमेजिनरी नंबर अब क्लास 11th 12th में पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ से अब ये चूंकि इमेजिनरी नंबर हो गई, सो हमारा रियल रूट इस क्वेश्चन का इस सॉल्यूशन का इस जो क्वांटिफिकेशन है इसका रियल सॉल्यूशन नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, हेंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो आखिरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, यानी कोई भी इसके रियल सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया होगा, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया, जितने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसको हमने कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड से पहले कन्वर्ट किया परफेक्ट स्क्वायर में, फिर उसको सॉल्व किया और उसके सॉल्यूशंस को निकाला। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके, जिसका हमने पिछले वीडियोस में
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया हुआ था उसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशंस को करेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।